धन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर किसी के जीवन में एक ना एक बार अवश्य ही होती है, और उसके लिए काफी बार काफी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, धन को जोड़ कर भी रखते हैं, लेकिन एक बार उनके जीवन में ऐसी हालात जरूर बनते हैं कि उनको धन की आवश्यकता होती है और उन्हें धन कहीं से भी नहीं मिल पाता है। चाहे कोई कितना भी अमीर ही क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही गरीब ही क्यों ना हो, उन्हें धन की आवश्यकता निश्चित ही पड़ती है। कोई भी इसकी कमी से बच नहीं पाता है। स्वयं भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी की कमी से बच नहीं पाए थे। तो यही वजह है कि धन की आवश्यकता हमेशा ही सबको पड़ती है। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे कि जब भी आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी तो अदृश्य शक्तियाँ इससे आपकी मदद करने लग जाएंगी और कहीं ना कहीं से अचानक से ऐसे धन प्राप्ति होगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये एक खास तंत्र प्रयोग है जो तारा महाविद्या साधना में किया जाता है, और इस प्रयोग को जो लोग भी करते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि निश्चित ही अदृश्य शक्तियाँ ऐसे हालात ऐसी सिचुएशन बना देती हैं कि अचानक से धन प्राप्ति के योग हो जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझें, क्योंकि यह तंत्र प्रयोग है और इसमें अदृश्य शक्तियों की सहायता ली जाती है, तो सभी बातों को समझना बेहद आवश्यक है, तभी आप इस प्रयोग का लाभ उठा पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो प्रयोग है, यह तारा महाविद्या साधना का एक प्रचंड प्रयोग है जो कि तंत्र की श्रेणी में आता है, और इसमें अदृश्य शक्तियों की सहायता ली जाती है। तो ध्यान से इसकी विधि को, इस क्रिया को समझकर आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिन भी लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा अधिक परेशानी है, काफी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा ही उनके मन में ये ख्याल आता है कि कैसे भी करके कहीं ना कहीं से धन प्राप्त हो जाए और उनकी परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि जब धन की परेशानी होती है तो ऐसी समस्या में कोई भी फिर काम नहीं आता है, अपने भी काम नहीं आते हैं, कोई भी धन देने को तैयार होता ही नहीं है। और फिर जब धन की समस्याएं हो जाती हैं तो परिवार चलाने में, बाकी काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो अदृश्य शक्तियां तुरंत ही आपकी सहायता करती हैं और आपकी धन की समस्या निश्चित ही दूर होती है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको तारा महाविद्या साधना करने की भी आवश्यकता निश्चित है। अगर छोटी मोटी धन की समस्याएं हैं तो वैसे ही इस प्रयोग से बहुत अधिक लाभ मिलता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस प्रयोग से अधिक धन लाभ प्राप्त हो सके तो इसके लिए आपको तारा महाविद्या साधना करने की भी आवश्यकता है। वह किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार साधना करनी होती है, ये आने वाले वीडियो में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन जब भी आपके जीवन में कोई धन की समस्याएं होती हैं या कोई भी कहीं से भी लाभ नहीं मिल पाता है, तब इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको बरगद वृक्ष के पास शुभ मुहूर्त में, यानी के ब्रह्मा मुहूर्त जो होता है, रोज उस समय जाना है और लगातार 41 दिन तक जाना है। आपको बता दें कि बरगद वृक्ष के पास बहुत सारी अदृश्य शक्तियां जो दिव्य रूप से विराजमान रहती हैं। आपने बरगद वृक्ष को कभी देखा होगा तो इसकी जटाएं इस प्रकार से फैली हुई होती हैं कि इसको देखते ही प्रतीत होता है कि कोई ना कोई बहुत सारी अदृश्य शक्तियां इस पर निश्चित ही बैठी हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अदृश्य शक्तियां इस पर विराजमान रहती हैं और सारी देव रूप में होती हैं। और ब्रह्मा मुहूर्त तो अपने आप में ही दिव्य होता है, खास होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति देवताओं से सहायता प्राप्त करता है, वह जो चाहता है वही प्राप्त कर लेता है। तो आपको लगातार सोमवार से यह प्रयोग को शुरू करना है, 41 दिन तक इस प्रयोग को करना है और ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है, यानी कि 4 से 6 बजे का जो समय है उसी समय आपको उठना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरे होकर ही इस वृक्ष के पास जाना है और कच्चा दूध इसकी जड़ में प्रवाहित करना है। और जब आप कच्चा दूध प्रवाहित करेंगे तो उस समय आपको स्त्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। यह तारा महाविद्या का एक बीज मंत्र है जिसमें तारा देवी की अदृश्य शक्तियां विराजमान रहती हैं। और तंत्र महाविद्याओं में यह कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति तारा देवी को सिद्ध कर लेता है उसे निश्चित ही स्वर्ण की प्राप्ति होती है, और इतना स्वर्ण उसे प्राप्त हो जाता है कि उसकी 7 पीढ़ी भी बैठकर बड़े आराम से खाती है। तो अब आप ये देखें कि यह प्रयोग कितना अधिक प्रचंड है। रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में बरगद वृक्ष की जड़ में अगर आप कच्चा दूध चढ़ा कर आते हैं, ये आप ध्यान रखें कि स्टील के लोटे का या फिर मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल आपको केवल करना है। इसमें तांबे का या कोई भी अन्य धातु बिल्कुल भी नहीं लेना है,
अगर आपके पास चांदी का गिलास है या फिर चांदी की कोई भी वस्तु है जिसमें आप कच्चा दूध भर सकें तो उस चीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी अन्य कोई भी धातु आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि सोमवार से शुरू करके लगातार 41 दिन इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को महिलाएं, पुरुष, बच्चे आदि कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। इसमें कोई भी हानि नहीं है, लेकिन महिलाओं को जो मासिक परेशानी होती है बस उस समय बरगद वृक्ष के पास नहीं जाना है, गैप कर लेना है और जब परेशानी समाप्त हो जाती है तो दोबारा से वहीं से कंटिन्यू किया जा सकता है। गैप को बीच में गैप कर देना है, बस किसी भी तरह से 41 दिन इस प्रयोग को करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो अपनी मनोकामनाओं को रोजाना बरगद वृक्ष के पास जाकर जरूर बोलें। इससे अदृश्य शक्तियां जान जाती हैं कि आप सहायता किस लिए मांग रहे हैं। तो आपको केवल धन की समस्याओं के लिए इस प्रयोग को करना है, बाकी और मनोकामनाओं के लिए अलग क्रिया बिल्कुल होती है। और मनोकामना दूसरी जो मनोकामनाएं हैं आपकी, जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो वो परेशानी आपको वहां पर नहीं बोलनी है, क्योंकि उन चीजों के लिए बिल्कुल अलग क्रियाएं होती हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। हम अपने चैनल में हमेशा ही ऐसी खास चीजें बताते हैं जो आपको कोई भी चैनल में बताता नहीं है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर जरूर रखें स्पिरिचुअल ट्री, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। अब दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपको उसके बाद शिव मंदिर बड़ी आसानी से हर जगह मौजूद रहता है, तो वहां पर जाकर एक चौमुखी घी का दीपक भी जलाकर आना है और शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल आपको रोज चढ़ाकर आने हैं। लगातार 41 दिन इस प्रयोग को किया जाता है, क्योंकि आप साधना नहीं कर रहे हैं इसलिए भगवान शिव का प्रयोग भी इसी के साथ करना बेहद आवश्यक है। जिन लोगों ने कभी तारा महाविद्या साधना को किया है या जो लोग तारा महाविद्या साधना को करते हैं तो इस प्रयोग को करते ही तुरंत ही सभी कार्य निश्चित ही संपन्न होते हैं और धन की सभी परेशानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह प्रयोग ही इतना ज्यादा खास है और ये तो तंत्र प्रयोग है जो बड़ी तीव्रता से असर दिखाता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो बिल्कुल सात्विक तरीके से ही करना है, बिल्कुल भी गंदी भावनाओं को अपने मन में लेकर नहीं आना है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां फिर देख लेती हैं कि आपके मन में गंदी भावना है, इस धन को प्राप्त करके आप किसी को नुकसान करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, तो ऐसे में यह प्रयोग फिर कार्य नहीं करता है। इसमें अदृश्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तो वैसे ही जो दिव्य अदृश्य शक्तियां होती हैं वो ही जागृत रहती हैं, तो तभी आपको ये संपूर्ण प्रयोग को करना है। बस ऐसा करने से 41 दिन के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे कि कहीं ना कहीं से दिव्य धन की प्राप्ति आपको निश्चित ही हो जाएगी। कैसे होगी, कहां से होगी, ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां अपने आप ही आपको धन लाकर ऐसे योग बना देंगी कि आपको बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, क्योंकि धन की परेशानी से जो कार्य आपके रुके हुए हैं, जिन कार्यों को आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रयोग को करके आप सभी कार्यों को भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा खास चीजों के बारे में बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, क्योंकि बेल बटन अगर आप नहीं दबाते हैं तो इससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते हैं और आप समय पर जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो बेल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको हमेशा मिला करें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।